नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। अपना घर आश्रम जिसे स्वयं संचालित करते हैं बांके बिहारी ठाकुर जी। बिना किसी सरकारी सहयोग के विगत वर्षों से सेवार्थ कार्य कर रहा अपना घर आश्रम। सचिव जेपी सिंह, नौबस्ता क्षेत्र के पहाड़पुर स्थित अपना घर आश्रम पिछले कई सालों से सड़क किनारे लावारिस जीवन यापन करने वालों एवं विक्षिप्त हालत में रहने वालों के लिए मददगार साबित हो रहा है। अध्यक्ष उमा शुक्ला के मुताबिक अपना घर आश्रम को स्वयं ठाकुर जी महाराज संचालित करते हैं। लावारिस एवं विक्षिप्त रहने वालों के लिए अपना घर आश्रम आम जनमानस एवं सदस्यों के सहयोग से अभी तक करीब 350 लोगों को आश्रय देने का कार्य कर चुका है, जिसमें कई लोगों को आश्रम के द्वारा घरों तक पहुंचाया गया है। सचिव जेपी सिंह के मुताबिक अपना घर आश्रम की शुरुआत सृजन सोसाइटी के द्वारा की गई थी, जो अभी तक जारी है। आश्रम असहाय पीड़ित मानव सेवा का पावन तीर्थ बन चुका है। अपना घर आश्रम समाज के उदार करुणावान व्यक्तियों के सहयोग से संचालित है। आश्रम में दिए गए सभी दान 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त हैं। आश्रम परिवार आश्रम में आने वाले लावारिस एवं विक्षिप्त लोगों को प्रभु जी का नाम देकर ईश्वर स्वरूप में सेवा कार्य करता है। उमा शुक्ला ने बताया कि आश्रम परिवार सभी रहने वाले लोगों को शुद्ध भोजन तथा रहने के लिए पर्याप्त साधन मुहैया कराता है। किसी भी आम जनमानस को ऐसे लोगों की जानकारी तथा सहयोग देने के लिए 7309038451 पर संपर्क किया जा सकता है। लावारिस एवं विक्षिप्त लोगों को आश्रम आवश्यक कार्रवाई के बाद में आश्रम में स्थान देकर प्रभु के रूप में सेवा कार्य प्रारंभ कर देता है। सचिव जेपी सिंह ने आश्रम संचालन में किसी भी तरह की सरकारी मदद लेने से इनकार करते हुए बताया कि आश्रम परिवार को जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो बांके बिहारी के दरबार में चिट्ठी लिखकर रख देने के बाद सभी संवाददाता सौरभ मिश्रा की कर रहा है रिपोर्ट। सब ठीक हो जाए। अब देखो तुम्हारा पैर भी ठीक हो गया, कीड़े पड़े थे, अब हम नहीं निकले ना, अब सूख रहा है, बस हम उठा जरूर चला गया। क्या कोई बात नहीं, चलो धीरे बैठ चुके, आप चलने लगे हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और माला भज रहे हो और रामायण भी है, रामायण भी पढ़ते हैं ये। रामायण दिखाओ, कहां है रामायण? रामायण पढ़ते हैं ये। मैडम क्या नाम है और कौन से आश्रम को संचालित कर रही हैं आप? हमारा नाम है उमा शुक्ला और ये अपना घर आश्रम संचालित कर रहे हैं हम। और हमारी जो शुरुआत से प्रेरणा ऐसी थी, हम लोगों के संस्कार ऐसे थे कि बड़े बुजुर्गों के साथ में काम करना चाहिए, तो इस तरीके के जो लोग थे, जो किसी भी आश्रम में इस तरीके के लोगों को नहीं लिया जाता है और किसी भी कोई भी ऐसी सरकारी योजना भी नहीं है जिसमें इस तरीके के लोगों को सम्मिलित किया जा सके, तो एक तरीके से जो इन लोगों की सेवा में और एक सरकारी योजना के बीच में जो गैप था, उस गैप को पूरा करने के लिए अपना घर आश्रम की स्थापना हुई है। जिस तरह देखा जाए महिलाएं अपने घर नहीं संचालित कर पाती हैं, आश्रम संचालित करके इतनी तादाद में प्रभु जी को आप संचालित कर रहे हैं, देख रहे कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, तो क्या क्या प्रसंगों का सामना करना पड़ा आपको? परेशानियां तो होती हैं, क्योंकि मैं देखा जाए तो मैं खुद ही बीमार रहती हूँ, मैं ब्लड कैंसर है मुझे पिछले 10 सालों से, और बच्चे भी अभी छोटे ही हैं, और खुद भी मैं जॉब करती हूँ, तो वो काम घर परिवार को देखना और हमारे घर में भी, जैसे हमारे यहाँ प्रभु जी हैं ऐसे घर में भी हमारे यहाँ लोग हैं, तो उनकी भी सेवा, और ये सारा कुछ हो जाता है, मैनेज करते हैं, क्योंकि हम तो कर रहे हैं पर हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। और जैसे कि है कि हमारा इस आश्रम का पूर्णतया संचालन ठाकुर जी ही करते हैं,
तो सब कुछ परेशानियां भी वही देखते हैं और इसकी जो भी भरण पोषण की स्थितियां हैं वो भी सब वही देखते हैं, उन पे हम लोगों को भरोसा है और पहली अर्जी हम लोग उन्हीं को लगाते हैं। महिलाओं बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आप संचालित कर रहे हैं आगे समाज में किस तरह आए? एक सवाल हमेशा रहता है खासकर महिलाओं से जब हम कभी भी बात करते हैं तो वो ये कहती हैं कि समय ही नहीं है, वो स्टूडेंट हो या घर हो या कुछ भी हो, लेकिन समय क्या है कि हम लोग अगर मैनेज करें तो हम एक एक मिनट मैनेज करके हम ये देखें कि हमारे पास काम कितना है, तो काम को करते हुए हम समय नहीं है ये पहले ही सोच लेते हैं तो समय कम हो जाता है, पर काम हमारा कितना है उसके अनुसार समय हमारे पास में बहुत होता है, तो हम कुछ कुछ ड्यूटीज सबको बांटते हैं और खुद भी करते हैं, तो जैसे जब हमको कुछ चोट लग जाती है ना तो हम कितनी जल्दी खड़े हो जाते हैं, कितनी जल्दी रिकवर करते हैं, तो वो एक नैसर्गिक ऊर्जा है जो हमारे साथ में काम करती है, तो जब हम समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं तो जितनी हमारे अंदर ऊर्जा है उससे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा भर जाती है जब हम अपने कल्याण के साथ साथ समाज के कल्याण की बात करते हैं। आज आश्रम में कितने सदस्य जुड़ चुके हैं जो मदद करते थे आश्रम को? मदद के लिए हमारे पास में वैसे तो जो अर्जी ठाकुर जी को लगाते हैं तो सारी चीज़ें हमारी पूरी होती हैं और वैसे तकरीबन 100 लोग हो गए हैं जो कि सहयोग करते हैं, और वाकई में ऐसा है कि हम लोगों को पता भी नहीं होता है पर अर्जी ठाकुर जी को लगती है तो उन लोगों के अंदर प्रेरणा आती है और वो लोग कब आ जाते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ 100 ही हैं, उससे ज़्यादा भी हैं। माना ये जाए अपना घर आश्रम जो चला रही हैं वो ठाकुर जी बाकी बिहारी चला रहे हैं? बिल्कुल। आपका? JP सिंह नाम। कौन सा आश्रम चलाते हैं आप? अपना घर आश्रम है। कहाँ पर है ये? गल्ला मंडी पहाड़पुर। तो कितने आश्रम, किस तरह का आश्रम चला रहे हैं इसमें? ये ऐसे लोग जो रोड पे पड़े रहते हैं जिनका कोई नहीं है, विक्षिप्त हैं, कभी आपने देखा होगा कि गर्मियों में बहुत कपड़े लादे घूमा करते हैं, सर्दियों में रोड में पड़े हैं, नाली में पड़े हैं, कीड़े पड़े हैं, कोई जिनको गवर्नमेंट की भी योजना में नहीं आते हैं, इसके अलावा कोई इनको काम कर इनके साथ काम करना देख भी नहीं सकते, ऐसे लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। कितने सालों से आश्रम? ये 4.5 साल हो गए। अभी तक कितने मरीज? करीब 350 लोग आ चुके जिसमें करीब 78 लोग हम घर पहुंचाए जो घर बता पाए अपना ठीक हुए दवा किया, और कुछ लोग ऐसे हैं कि मैंने शरीर भी छोड़े, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी हम दवा नहीं कर सकते, मेरे पास मशीन नहीं है, तो भरतपुर में इससे बड़ा है तो वहाँ भी हमने भेजा, और बाकी लोग हैं यहाँ पर। मौजूदा समय में कितने प्रभु जी आपके? 30 लोग हैं। तो भोजन व्यवस्था किस तरह संचालित करते हैं? भोजन की व्यवस्था इस तरीके से है कि पहला तो प्रभु के सब आश्रय है मेरा, भगवान जो गुरु है ठाकुर जी की फोटो लगी होगी उन्हीं के आश्रय में सब चल रहा है और वही सब कुछ करते हैं, बस एक है माध्यम मैं हूँ, और दान से चलता है और हमको भी सक्षम बनाते हैं, इस तरीके से चल रहा है। आश्रम संचालित करने में क्या क्या दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कतें, अभी कोरोना जब था तब भी हम लोग चला रहे थे, 30 लोग थे, 35 लोग थे उस समय, और तब भी चला क्योंकि कोई आता नहीं था, घर से भी नहीं निकलता था, फिर भी मेरा बहुत अच्छा चला क्योंकि वो सब ठाकुर जी की महिमा थी, और अब भी चल रहा है, और परेशानी कुछ ऐसी नहीं है लेकिन कुछ तो ऐसी हैं कि जैसे दवा का है तो कभी कभी, लेकिन दवा भी कहीं से कहीं हम व्यवस्था करते रहते हैं, और लोगों को अभी जुड़ाव कम है, जुड़ाव कम होने से वो सेवा नहीं हो पाती, फिर भी अपने से ज़्यादा हम कोशिश करता हूँ खाने में क्वालिटी, अभी आपने देखा भी होगा और कभी भी आके देखें स्वच्छता और खाने में, एक स्वास्थ्य के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ, इस तरीके से सारी व्यवस्था। मौजूदा समय में जो परिवेश में युवा आगे आ रहे हैं इनको क्या संदेश देंगे कि ऐसे विक्षिप्त लोगों के, सड़क पर रहने वाले लोगों किस तरह मदद की जाए? हाँ, ये मैं स्कूल के बच्चों को बुलाता हूँ, स्कूल में जा कर के बताता हूँ कि मैं ऐसे लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और अपने बुजुर्गों को कभी भी ऐसा हो तो मैं अनाथ लोगों कर रहा हूँ जिसका कोई नहीं है उसके साथ कर रहा हूँ, तो आप अपने लोगों को ध्यान दो, और जो टीचर होती हैं उनको भी मैं यही बताता हूँ कि आप बच्चों को यही ज्ञान अर्जन कराएं, यही संस्कार दें, और जो गार्जियन आते हैं कभी तो उनको भी यही बताता हूँ कि अपने बुजुर्गों को ध्यान दो, क्योंकि हमने ये भी देखा कि अपने पिता को लाते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि पड़ोस में एक थे पढ़े थे इनकी 2.5 महीने सेवा कर रहे थे और छोड़ जाते हैं, इसके बाद भी ऐसी कहानी हुई
कि इनको मालूम हुआ कि इनके वास्तव में लड़के हैं, एक तो थे बहू भी और लड़का भी, सरकारी नौकरी करता और पिता को छोड़ गया था, और उनको जब मालूम हुआ तो बड़ी मुश्किल में वो पत्रकारों के माध्यम से इनको वहाँ छोड़ा। जो आश्रम संचालित करने का विचार कहाँ से आपके मन में आया? ये तो हमारा, आप ये देखा जाए तो 200 साल पहले मैं देखा करता था जो रोड में लोग घूमा करते थे और देखते थे गर्मियों में भी इतने कपड़े ला दें तो ऐसा लगता था इनके साथ काम करें, या कोई खाने के दो तो नहीं खा माने उठा के भी नहीं खा सकते थे, कभी नाली से खाते हुए देखते थे तो ऐसा लगता था कभी मैं कुछ सामर्थ्य हूँगा तो इनके साथ मैं काम करूँगा। और थोड़ा सा शुरुआत हुई, ये सब ऊपर वाले की दया है, और आज थोड़ा अच्छा सा कर पा रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी भी हैं ऐसे लोगों के साथ लेकर के, क्योंकि अपने आप तो कुछ नहीं हो सकता। आज आप एक आश्रम संचालित कर रहे हैं, आगे क्या भविष्य में उद्देश्य है, किस तरह और इस आश्रम को बढ़ाएंगे? ये अगर मेरे साथ सहयोग रहा, ऊपर वाले ठाकुर जी की दुआ हुई, तो मैं कानपुर में हजारों की तादाद में हैं प्रभु ऐसे, क्योंकि हमें जब रोड से लेता हूँ तो उनको प्रभु नाम रखता हूँ, प्रभु ही मान के सेवा करता हूँ, क्योंकि विक्षिप्त होते हैं कब कभी क्या कर दें हैं गंदगी कर दें, लेकिन सब हम लोग प्रभु मान के सेवा करता हूँ तभी कर पाता हूँ। आश्रम तो, आश्रम का जो भरण पोषण है, आश्रम का जो पैसा एकत्रित करते हैं, किस तरह से एकत्रित करते हैं आप? जो हाँ, एक ये भी है हमारे आश्रम का कि कभी हम लोग किसी से मांगते नहीं, ना मेरी रसीद बाहर जाती है और ना कभी इसको सरकारी भी करेंगे, और ये सब ठाकुर जी पे चिट्ठी देता हूँ, ठाकुर एक ठाकुर जी की मूर्ति है नीचे आप देखेंगे तो उन्हीं को चिट्ठी दे देते हैं कि महीने में क्या ज़रूरत है, और वही पूरा करते हैं, या हमको सक्षम बनाते हैं या किसी को भेजते हैं। तो यानी कि जो खर्चा उठा रहे हैं ठाकुर जी अपने हिसाब से उठा रहे हैं? बस वही उठा रहे हैं, बस माध्यम हम हैं, वही सब कुछ। सरकारी योजनाएं क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं लेंगे कभी, कि वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। आप कभी कोई सरकारी देख लेना, ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये कह नहीं सकते क्योंकि आपके प्रचार प्रसार में इसमें ऐसी स्थिति होती है कि सरकारी जितनी राज्य सरकार की है उनके साथ यही होता है कि अब खुद के लिए सब चोरी करनी पड़ती, उनके लिए चोरी करनी पड़ती, क्वालिटी नहीं हो पाती, ये कह रहा हूँ मजबूरी में कह रहा हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।